मैम, आज का जो प्रोग्राम किया जा रहा है लायंस क्लब ऑफ हावड़ा की तरफ से मेमोयर 62nd चार्टर्ड नाइट, इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए मैम। हमारा क्लब पहले तो 62 इयर्स ओल्ड है और ये बहुत पुराना क्लब है और आज हमारी 62nd चार्टर्ड एनिवर्सरी है और इसमें हमारी हर साल होती है और इस बार हमारा बड़े रूप में हो रही है। एक तो बाहर से इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आए हुए हैं और हम लोग को हमारे चेयरपर्सन विनीत ने बहुत मेहनत की है इसके लिए, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग बहुत अच्छा ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मैम, लायंस क्लब ऑफ हावड़ा के बारे में कुछ बताइए कि ये क्लब कैसा क्या कार्य करती है। लायंस क्लब ऑफ हावड़ा एक NGO है जो सर्विस एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा करता है। हमारे दो दो हॉस्पिटल्स हैं और एक डेफ एंड म्यूट स्कूल है, एक फर्स्ट एड सेंटर है रेलवे स्टेशन हावड़ा में और हम लोग बहुत ज़्यादा सर्विस एक्टिविटीज़ करते हैं। 10,000 पेशेंट के करीब हम लोग साल में उनका इलाज करते हैं, प्लस अन्नपूर्णा की रसोई एक हमारी एक्टिविटी है जिसमें हम हजारों लोगों को खाना खिला चुके हैं और बीच बीच में हमारा ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये हम लोग करने जा रहे हैं। तो मैम, ये जो आपका चार्टर्ड नाइट आज हो रहा है, ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या इसके पहले भी होता है? हर साल होता है, इस बार और बड़े रूप में हो रहा है क्योंकि हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आए हुए हैं फ्रॉम कनाडा, तो इसलिए और बड़े रूप में। तो मैम, ये आपका लायंस ऑफ क्लब का ब्रांच, जैसे कि आप कह रहे हैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आ रहे हैं, यानी ये क्या इंडिया के बाहर भी आप लोग इस तरह के काम करते हैं? जो नहीं नहीं नहीं, ये हमारा इंडिया में ही हर साल कलकत्ता में ही मनाया जाता है और कभी इससे पहले हम लोगों ने क्रूज पे मनाया था और ये आज हम लोग इसमें नहीं, नहीं, मैं पूछ रहा था ना कि ये जो आपका समाज से जुड़े जो कार्य आप कर रहे हैं, ये आप इंटरनेशनली करते हैं या फिर ये नेशनली हमारे एक लायंस क्लब एक पूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो बाहर में है लायंस वो बाहर में करते हैं, हम लोग कलकत्ता बेस्ड हैं तो हम कलकत्ता में हम लोग सर्विस एक्टिविटीज करते रहते हैं। कलकत्ता के आसपास भी सुंदरबन और आसपास के जो कभी कुछ चैरिटी करनी होती है, कभी फ्लड आया है या कुछ ऐसी सुना ऐसी कुछ चीज़ें आ जाती है तो उसमें भी हम लोग सहायता करते हैं। तो मैम, एजुकेशन से जुड़े क्षेत्र में भी लायंस क्लब ऑफ हावड़ा कुछ अपना योगदान दे रहे हैं? हाँ जी, लेकिन अभी तो हमारे पास एक डेफ एंड म्यूट स्कूल है और उसमें हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर के सिखा रहे हैं और एजुकेशन से हम लोग करते रहते हैं, बीच बीच में बच्चों को पेंसिल रबर कभी कभी सेमिनार भी करते हैं। अच्छा मैम, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी कुछ, जैसे स्किल डेवलपमेंट जो है उसके क्षेत्र में भी ग्रामीण लोगों के लिए कुछ कार्य लायंस क्लब ऑफ हावड़ा की तरफ से किया जा रहा हो? लायंस क्लब ऑफ हावड़ा अकेले तो अभी कुछ नहीं, इस क्षेत्र में हमने अभी तो इस साल तो कुछ नहीं किया है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट ने सुंदरबन जाके जो एक गांव अडॉप्ट किया है तो उनके साथ हम लोग भी इस गांव उनके साथ मिलके हम लोग गांव अडॉप्ट किए। ब्लड डोनेशन हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स भी करते हैं और डायलिसिस यूनिट हमारा दोनों अस्पतालों में चल रहा है, एक तो जदुबेरिया में अस्पताल उसमें भी और लायंस हावड़ा में भी हमारे डायलिसिस यूनिट चलता है और फर्स्ट एड सेंटर, ये हम बहुत सारी एक्टिविटी इस तरह की भी हेल्थ को लेकर भी करते हैं, आई ऑपरेशंस वगैरह भी करते रहते हैं। लायंस क्लब ऑफ हावड़ा एक प्रेस्टीजियस क्लब है कलकत्ता का, जो काफ़ी फिलेंथ्रफी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। आज उसका 62वां साल है, रादर वो 62 साल हो गए उस क्लब को बने और ये उसकी 62nd चार्टर एनिवर्सरी है। तो आज एक तरह से हम लायंस क्लब ऑफ हावड़ा के जन्म का उत्सव मना रहे हैं और उसी का नाम दिया गया मेमोयर। मेमोयर मतलब मेमोरी, यानी 62 साल में हमारे क्लब ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, उसको शोकेस करके। और एक फेलोशिप एक्टिविटी है जिसमें हमारे सारे क्लब के मेंबर, यहाँ डिस्ट्रिक्ट के मेंबर, मल्टीपल के मेंबर और इवन लायंस इंटरनेशनल के मेंबर को इनवाइट किया गया और जिसमें हम एक म्यूजिकल प्रोग्राम कर रहे हैं जो पुराने गीतों की और आज के गीतों की एक श्रृंखला है, जिसके द्वारा हम अपने पुराने दिनों को, जो हमारे क्लबों ने बहुत सारी एक्टिविटी की हैं पब्लिक वेलफेयर की, उसको और आज की सबको लोगों को दिखाएंगे। तो सर, यही मेमोयर है।
जैसा कि आपने कहा कि 62 साल की जो उपलब्धियां हैं उसे याद करने का ये दिन है, ये मेमोयर जो प्रोग्राम है, तो कुछ उपलब्धियां ऐसी जो आप याद करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों के, जो लायंस क्लब ऑफ हावड़ा की तरफ से? आज लायंस क्लब ऑफ हावड़ा के हमारे 7 परमानेंट प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से सबसे बड़ा प्रेस्टीजियस जो प्रोजेक्ट है वो हावड़ा बंगवासी में लायंस क्लब हॉस्पिटल है। इसके अलावा हावड़ा जदुबेरिया में एक लायंस हावड़ा हॉस्पिटल है, उसमें हमारी एक प्रपोज्ड ब्लड बैंक भी आ रही है। हावड़ा स्टेशन पे हम एक फर्स्ट एड सेंटर चला रहे हैं पिछले 23 सालों से, एक डीप एंड डम्ब स्कूल भी हावड़ा में चला रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे कई तरह के प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम इन्वॉल्व हैं और जिसके लिए हमें बहुत फख्र है। लायंस क्लब के, जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आने वाले हैं मुख्य अतिथि के तौर पे, तो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बताइए, उनके बारे में क्या है, कौन ये लायंस इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है लायन ब्रायन सहीन। वो अपनी मैडम यानी अपनी मिसेस के साथ आ रहे हैं, फर्स्ट लेडी लॉरी सहीन के साथ। उनके साथ थर्ड इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं लायन एपी सिंह, जो आज इस मेमोरियल प्रोग्राम को गौरवान्वित करने के लिए यहाँ आएंगे। और ये पिछले 2021 में इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बने इस श्रृंखला इस साल के लिए, जो 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक रहेगी। इनके अंतर्गत 200 कंट्रीज आती हैं जिसमें लायंस क्लब हैं, और तकरीबन 48,000 क्लब इन्हीं के अंडर में आते हैं और ये सबको मैनेज करते हैं। आज के डेट में ही इज़ द एपेक्स पर्सन इन लायंस इंटरनेशनल वर्ल्ड। ऐसा हो ऐसा जैसे पल पल अक्षर सा।